कुत्ता रहता है यहाँ पे, रेंट में रह रहे हैं ये लोग, और उसको काफ़ी देर से आधे घंटे तक काटा है और ये ब्लड काफ़ी हो गया है। डॉक्टर वाले ले गए हैं उसको नवीन हॉस्पिटल, नवीन ने जवाब दे दिया है। मैक्स में लेकर गए, मैक्स वालों ने जवाब दे दिया है, अब जीटीबी हॉस्पिटल लेकर गए हैं उसको। इससे पहले जानकारी थी कि आपको पिटबुल जो नस्ल का कुत्ता है वो बैन है गाजियाबाद के अंदर में? नहीं, हम लोगों कुछ आप लोगों ने आवाज़ उठाई? नहीं, हम लोगों इसके बारे में जानकारी नहीं। आपका? कमलेश सिंह नाम है मेरा। सर, अभी बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काटा है और काफ़ी जख्मी हो गया है बच्चा, क्या किस तरीके से पूरा मामला हुआ, क्या घटनाक्रम था? नहीं, हम लोग, मैं भी घर में अपने ऑफिस का कार्य कर रहा था तो शोरगुल सुन के और कुत्ते की आवाज़ सुन के बाहर आया तो हमने देखा कि बच्चे को नीचे करके और कुत्ता बहुत बुरी तरह से काट रहा था और छुड़ाने पे भी नहीं हो, चूँकि उसके पास जा भी नहीं सकते थे क्योंकि ऐसा वो कुत्ता था और हमें पता भी नहीं कब अभी शिफ्ट हुए, शायद 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। कल हमारी सोसाइटी के ही कोषाध्यक्ष जी रामजी वाजपेयी जी ने रात में 12 बजे लेके पार्क में टहल रहे थे, तब इनको बोला भी था कि भाई ये कुत्ता यहाँ पे रखना अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पास सारा रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है और मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमारा प्लान था कि शाम को इनसे मिलेंगे और इनसे इनका रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें देखेंगे, ना ही इन्होंने कोई पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो है सोसाइटी के पास जमा किया है, तो हमारा ये था कि शाम को इनसे मिलके हम लोग देखेंगे। लेकिन ये दोपहर में ही अभी 3-4 बजे करीब ये कार्य हो गया और बच्चे की तो हालत बहुत बुरी है जैसे कि सबने ही देखा है। क्या आपको जानकारी थी कि पिटबुल नस्ल का जो कुत्ता है वो गाजियाबाद में बैन है? बिल्कुल जानकारी थी, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि इन्होंने ऐसे कुछ पाल रखा है। राम जी हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि कल रात में उन्होंने देखा था और इसको मना भी किया था कि ऐसे कुत्ते यहाँ नहीं रख सकते, तो इनसे थोड़ा सा उसने ये भी कहा कि नहीं, हमें सारी परमिशन इसकी मिली हुई है और हम इसको रख सकते हैं।